हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फोर हिंट्स। सो आई एम टीना सिंह, योर एजुकेटर। सो आज हम कवर करने वाले हैं टेनिया सोलियम, जो कि एक पोक टेप फॉर्म है। सो टेप फॉर्म के बारे में जो है आज हम देखेंगे, ठीक है, उसके डेवलपमेंटल स्टेजेस और उसकी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल जो है उसके जानने के मतलब पीछे के क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। सो लाइफ साइकिल क्या है कि भाई इसके डायजेनेटिक होस्ट है ह्यूमन जो है वो इसका प्राइमरी होस्ट, और सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो पिग है। इसके थ्रू जो है वो इन्फेक्शन जो है वो ह्यूमन में होता है, या तो ह्यूमन के ब्रेन में, आईज में, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो टेप फॉर्म पहुँच कर क्या है कि फूड जो है वो अपना कंज्यूम करता है, क्योंकि इसकी खुद की जो है वो डाइजेस्ट सिस्टम एबसेंट है। सो स्प्रेड कैसे होता है, कैसे क्या क्या डेवलपमेंटल स्टेजेस आती हैं, वो जो है पूरा देखने वाले हैं, ठीक है। सो टिप फॉर्म प्लाटियल में से बिलोंग करता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। क्लास इसके सेस्टोडा है, ट्रेबलेरिया और ट्रेमाटोडा की तरह इसके पास खुद का डाइजेस्ट सिस्टम नहीं है। क्लास सेस्टोडा से बिलोंग करता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें एबसेंट है। और प्लाटियल में जैसे इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो है वो डाइजेस्ट सिस्टम बिल्कुल एबसेंट है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन अगर देखेंगे, जब हम डेवलपमेंटल स्टेजेस पढ़ेंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है। जब हमने फेसियोला हिपैटिका कवर किया था लास्ट क्लास में, तो हम देखिए वहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है वो मोर कॉमन था, यहाँ पर जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो है वो ज़्यादा कॉमन नहीं, ठीक है। सो टेनिया सोलियम जो है क्या है, एक पोक टेप फॉर्म है, ठीक है। और भी जो इसकी स्पीशीज देखने को मिलती है, जैसे कि टेनिया सैगिनाटा, जो कि एक बीफ टेप फॉर्म है, ठीक है। सो टेनिया सोलियम जो है वो पोक टेप फॉर्म है, डायजेनेटिक लाइफ साइकिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइलम प्लैटिहेलमिंथ्स तो सबको पता ही है, फिर भी अगर लिखे फाइलम प्लैटिहेलमिंथ्स से बिलोंग करता है, और इसकी क्लास जो है वो सेस्टोडा है, ठीक है। ठीक है, सेस्टोडा है, और डायजेनेटिक लाइफ साइकिल जो है यहां पर देखने को मिलती है, डायजेनेटिक है। सो डायजेनेटिक में इसके प्राइमरी होस्ट कौन है, प्राइमरी होस्ट जो है वो ह्यूमन है, ठीक है, और सेकेंडरी होस्ट वो है पिग, ठीक है। प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, सेकेंडरी होस्ट पिग है, ठीक है। सो डायजेनेटिक लाइफ साइकिल है, और क्या सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो है वो मोर कॉमन है यहाँ पर, ठीक है, और डाइजेस्ट सिस्टम बिल्कुल एब्सेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये लिख देते हैं, डाइजेस्ट सिस्टम जो है यहाँ पर एब्सेंट होता है, कंप्लीटली एब्सेंट होता है, ठीक है। वैसे तो जो फाइलम प्लैटिहेलमिंथ्स होता है उसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है, जैसे कि ट्रेबलेरिया और ट्रेमाटोडा में भी, तो यहाँ पर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। और देखने में कैसा होता है, रिबन लाइक का होता है या फिर लीफ लाइक का जो है ये होता है। तो अगर हम इसके रफ डायग्राम बना लें, सो इस तरह से जो है इसका स्ट्रक्चर होता है ना, बहुत ही लंबा जो है इसका साइज होता है। तो इस तरह से जो है ये देखने को मिलता है। तो इसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस और लाइफ साइकिल जो है हम कवर करेंगे। सो सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ पर मोर कॉमन है, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्स्ट क्या बनेगा, जायगोट। अब कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस आएंगी, जो कि जब आप लाइफ साइकिल कवर करेंगे तो वो वहां पर आपको समझने में जो हेल्प करेंगी, ठीक है। सो फर्स्ट क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, राइट। फर्टिलाइजेशन हो गया और सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो
तो हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, डेवलपमेंटल स्टेजेस देखेंगे, ठीक है, इसकी। तो पहले बना जायगॉट, ठीक है, और इस तरह से जो है वो यॉक जो है वो साइड में जो है वो रहेगा। तो ये जायगॉट है, ये जो है यॉक है, ठीक है। अब क्या है कि जायगॉट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, है ना, तो जाइगोट ये है, ठीक है, जाइगोट अगेन, और ये जो है ये यॉर्क सेल, ये ऐसे ऐसे जो है यहाँ पर यॉर्क सेल जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये जो ये है हमारी वन सेल स्टेज, ठीक है, ये हमारी वन सेल स्टेज है जिसमें कि जाइगोट बना। देन ये क्या है कि टू सेल स्टेज बन गई, ठीक है। तो अभी पूरी की पूरी जो है वो डेवलपमेंटल स्टेजेस जो है वो आपको बताई जाएंगी कि कितने जो है वो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, उसके बाद जो है हम लाइफ साइकिल कवर करेंगे। सो अब जो है वन सेल स्टेज बन गई, टू सेल स्टेज बन गई, अब बनेगा अर्ली मोरुला, ठीक है। अर्ली मोरुला में है क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो है आप देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या है कि एक डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, ये सारी जो है ये मैक्रोमेयर्स हैं, ये छोटी वाली जो है ये है हमारी माइक्रोमेयर्स, और ये जो साइड साइड में है जो कि मीडियम है साइज में, ठीक है, ये है मेसोमेयर्स, ठीक है। तो ये क्या है कि ये अर्ली मोरुला स्टेज है, ठीक है। तो ये अर्ली मोरुला जो है वो इस तरह से जो है वो दिखाई देगा। देन इस तरह से जो है वो लेयर बन जाएंगी, अंदर की साइड जो होगा वो तो होगा क्या, एम्ब्रियो फोर जो कि मेसोमेयर बना रही होंगी, ठीक है। बाहर की साइड जो है वो यॉक जो है वो होगा, वो इस तरह से सेल बना रही है। और कुछ यॉक जो है वो ऐसे फ्रीली पड़ा होगा, ठीक है। अंदर तो जाइगोट है ही, ये इस तरह से, ठीक है। तो अगर इनकी नेमिंग करें, जाइगोट नहीं, अब तो मोरुला बन गया ना, सॉरी। सो यहाँ पर क्या है कि मोरुला जो है यहाँ पर है, इसको लेट मोरुला जो है वो बोलेंगे, सॉरी जाइगोट नहीं है, लेट मोरुला है, ठीक है। सो ये लेट मोरुला जो है वो स्टेज है। सो ये मोरुला है, बीच में जो है वो मोरुला है, ये जो फर्स्ट लेयर है ये एम्ब्रियो फोर है, ठीक है, जो कि बना रही क्या है, एम्ब्रियो फोर जो है वो मेसोमेयर जो है वो सेल बना रही है। तो एम्ब्रियो फोर जो है वो फॉर्म कर रही है,
क्या मीजोमेयर, ये जो है ये यॉक की जो है वो लेयर है और ये यॉक सेल पड़े हैं, ठीक है, ये यॉक सेल जो है वो फ्रीली पड़ रहे हैं, ये यॉक की जो है वो लेयर बनी हुई है, ठीक है। सो ये जो है ये लेट मोरेला स्टेज है, ये हमारी फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, ये देन थर्ड स्टेज, ठीक है, फोर्थ हमारी है लेट मोरेला, यहाँ पे लिख देते हैं लेट मोरेला, ठीक है। सो लेट मोरेला स्टेज है ये जो है वो धीरे धीरे जो है डेवलपमेंटल स्टेजेस आपको दिखाई है, क्योंकि लाइफ साइकिल में जो है वो बनी होगी तो एक आइडिया होना चाहिए भाई क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। देन ये लेट मोरेला स्टेज है, देन फिफ्थ नंबर पे हम जो है देखेंगे अब यहाँ पर क्या है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन जो है वो दिखाई देगा, काफी लेयर्स जो है यहाँ पर बन जाएंगी अब, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो है ये हमारी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बन गई यहाँ पे, ठीक है, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये एम्ब्रियोनिक लेयर है बाहर वाली, ठीक है। और इस तरह से जो है यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेंगे, और ये हैं क्या हुक्स हैं, ठीक है, या फिर इन्हें छह नंबर होते हैं तो हेक्सेंट जो है वो बोल देते हैं। सो ये जो है इसकी क्या है कि फिफ्थ जो है वो मोरेला फिफ्थ स्टेज है, अंदर जो है वो इस तरह से जो है वो सेल्स जो है वो बने हुए हैं जो कि एम्ब्रियोफोर ने मीजोफेर बनाया था, देन इस तरह से जो है वो लेयर जो है वो बन जाती है, ठीक है। नाउ हमारा अब आता है कि भाई और कैसे जो है वो डेवलपमेंट होगी, अब क्या है कि यहाँ पे ना इन्वेजिनेशन देखने को मिलेगा, सॉरी फर्स्ट एक मिनट आपको हुक्स वाला दिखा देती हूँ, हुक्स जो है वो कैसे बने, सो इस तरह से जो है वो हुक्स जो है वो बने हुए हैं, ठीक है, ये इस तरह से जो है वो टेप फॉर्म जो है वो डेवलप कर रहा है, ठीक है। सो ये जो है ये हुक्स जो है वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, सो हुक्स बनेंगे, उसके बाद जो है वो इन्वेजिनेशन की स्टेज जो है वो देखी जाएगी, ठीक है। सो यहां पर ये जो है प्रोस्कोलिक्स है, अगर हमने टीप फॉर्म का स्ट्रक्चर का भी देखा हो, सो प्रोस्कोलिक्स है, देन ये जो है ये रोस्टलर है, ये अटैचमेंट के काम आते हैं, ठीक है, और जो है यहाँ पे इन्वेजिनेशन जो है वो शो किया हुआ है,
कि अंदर की तरफ जो है वो ग्रोथ हो रही है, इमेजिनेशन जो है वो डेवलपमेंट की स्टेज है, तो इमेजिनेशन जो है वो शो किया हुआ है, तो प्रोस्कॉलेक्स जो है वो दिखा रखा है। अब जो है नेक्स्ट स्टेज आएगी जिसमें कि कहेगी टेप फॉर्म इमेजिनेट करेगा बाहर की साइड, ठीक है। सो बाहर की साइड जो है अब ये इमेजिनेट करेगा इस तरीके से, इस तरीके से जो है इसके ये सकर्स वगैरह जो है थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगे जाएगा। ये रॉसलर जो है ये प्रेजेंट है, सो ये रॉसलर जो है वो ये रॉसलर है, ये स्कॉलेक्स है, स्कॉलेक्स जो है पूरा डेवलप हो गया है, और यहाँ पर जो इमेजिनेशन जो है वो शो किया हुआ है, ठीक है। सो इमेजिनेशन जो है यहाँ पर शो किया हुआ है। देन क्या है कि धीरे ये इमेजिनेशन क्या है कि ऊपर की तरफ जो है अब ये ग्रोथ करेगा, ठीक है। सो इसके जो है लास्ट स्टेज अब देखने को मिलेगी कि कैसा जो है ये, अगर इसको मार्क करें तो ये इसका ब्लैडर है, ठीक है, ब्लैडर है ये। नाउ अगर इसके स्टेज देखें अब ये इस तरह से जो है ये फॉर्म होगा। सो असेक्सुअल मतलब कि इस तरह से जो है इसका बनते बनते और ये इस तरह से जो है ये फॉर्म हो जाता है। सो यहाँ पर अगेन ये रॉस्टलर जो है ये यहाँ पर होंगे, देन ये स्कॉलिक्स एंड ये नेक जो है इसकी वो फॉर्म कर रही है, क्या फॉर्मिंग स्ट्रोबुलेशन का जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो है ये तैयार हो रहा है, और ठीक है। सो इस तरह से जो है पूरी की पूरी डेवलपमेंटल स्टेजेस जो है वो किस में देखी जाती हैं, टेप फॉर्म में, ठीक है। ये जो बचपन में बोलते थे कि भाई कीड़े लग गए बच्चों को बोलते हैं, तो वही जो है वो किसी मतलब कि पिग के थ्रू अगर जो है वो कंज्यूम करते हैं उस हिसाब से जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में किसी तरह से पहुंच जाते हैं, और ह्यूमन के फीसेस के थ्रू जो है वो बाहर निकल के अगेन जो है वो पिग या कोई और जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट लेकर दोबारा से जो है वो एंटर जो है वो कर जाते हैं, ठीक है। सो ये इनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस थी, ठीक है। सो ये जो इनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस थी। अब जो है हम कवर करेंगे लाइफ साइकिल, ठीक है। लाइफ साइकिल टेनिया सोलियम की जो है पढ़ेंगे, सो हमने बात कर ली थी कि भाई डायजेनेटिक होस्ट है, ठीक है, डायजेनेटिक होस्ट है, प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, ठीक है, और इंटरमीडिएटरी होस्ट या सेकेंडरी होस्ट जो है कौन है, पिग, ठीक है। सो जो ह्यूमन की इन्फेक्टिव स्टेज है वो सिस्टेरेसिस होती है, और वो कैसे जो है वह एंटर करती है वो सब जो हम पढ़ेंगे। सो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर ह्यूमन के ये एक्ट कर रही है, ठीक है, यहाँ पर सिस्टेरेसिस जो है वो पिग से जो है ये स्टेज आती है। सो सिस्टेरेसिस जब एंटर करता है, ठीक है, सिस्टेरेसिस जो है वो इन्फेक्टिव स्टेज है किसकी, ह्यूमन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है पूरी की पूरी रिएक्शन होगी, ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पूरी की पूरी लाइफ साइकिल देखेंगे तो सिस्टेरेसिस जो है वो फॉर्मेशन होगी, उसके बाद क्या है कि इमेजिन
इस तरह से जो है वो इवेजिनेशन जो है वो देखने इवेजिनेशन जो है वो पहले देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे हमने अभी पीछे स्टेजेस देखी थी, तो यहाँ पर इमेजिनेशन जो है वो देखने को मिलती है ह्यूमन के इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर सिस्टेरेसिस जो है वो शो कर रहा है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन जो है यहाँ पर शो कर रहा है, तो अंदर की तरफ जो है वो ग्रोथ हो रही है। देन अब ये कहे कि बाहर की तरफ जो है वो ग्रोथ करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा क्या, अब सिस्टेरेसिस जो है वो बना रहा क्या है, फॉर्मिंग इमेजिनेशन कर रहा है। ठीक है, ठीक है, अब ये कि इमेजिनेशन पर जो है ये आ गया, देन सिस्टेरेसिस ने भाई इमेजिनेशन कर दिया। अब क्या है कि एडल्ट टेप फॉर्म में जो है ये पूरा डेवलप होके एडल्ट टेप फॉर्म में बन जाएगा। हमने पूरी की पूरी डेवलपमेंटल स्टेजेस देख ली कि भाई क्या जायगोट बना, देन उसके बाद टू सेल स्टेज बनी, अर्ली एम्ब्रियो बना, अर्ली मोरूला बना, देन लेट मोरूला बना, उसके बाद जो है ये स्टेजेस जो है वो देखने को मिली। देन हुक्स जो है वो होते हैं, उसके बाद इमेजिनेशन जो है वो अंदर की तरफ करता है, और जो है वो इमेजिनेशन जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद इस तरह से जो है ये एडल्ट टेप फॉर्म जो है, ये एडल्ट टेप फॉर्म जो है इस तरह से जो है फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक स्टेज जो है वो नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर एडल्ट अगर टेप फॉर्म देखें तो इस तरह से जो है वो एडल्ट टेप फॉर्म जो है वो काफी जो है ये लंबा होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ह्यूमन की जो है वो यहीं पर चिपक जाता है, जब इमेजिनेशन होता है ना तभी जो है वो स्टिक कर जाता है यहाँ पर इमेजिनेशन के थ्रू। देन ये जो टेप फॉर्म है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ह्यूमन की जो है वो कहता है स्टिक हो जाता है। ठीक है, अब ये जो टेप फॉर्म है काफी लंबा होता है। ठीक है, ये टेप फॉर्म है, अब ह्यूमन के फेसेस के थ्रू जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब स्टेज देखने को मिलेगी, इस तरह से जो है ये फेसेस के थ्रू जो है ये बाहर आएगा। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको या तो ग्रेविड बोल देंगे। ठीक है, ग्रेविड और प्रोग्लैटिड। ठीक है, ये जो है ये स्टेज जो है वो देखने को मिलेगी। अब ये लाइफ साइकिल, ये जो है ग्रेविड और प्रोग्लेटेड, अब यहाँ पर एंटर होगी किसमें, पिग में जो है ये एंटर होगी। ये और ज्यादा जो है वो ब्रांच्ड फॉर्म में जो है वो सिस्टर सॉरी ग्रेविड और प्रोग्लेट और ब्रांच फॉर्म में जो है ये एंटर करेंगे पिग के स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, इस तरह से पिग के स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है यहाँ पर ये एंटर कर जाएंगे। ठीक है, पिग के स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये मोर ब्रांच्ड ये मोर ब्रांच में जो है ये इस फॉर्म में जो है वो पिग के स्मॉल इंटेस्टाइन में कवर करेगी। और अब पिग में क्या बनेगा, एक जो हमने यहां पर ये स्टेज देखी थी ना, इस तरह से जो है पूरा का पूरा फॉर्मेशन हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये वाला स्टेज जो है वो यहाँ पर पिग के स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा। सो इस तरह से जो है यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन एम्ब्रियो फोर जो कि मीजोमेर बनाई थी वो सारी जो है यहाँ पर बन जाएंगी। अब ये जो है ये पिग के जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलेगा, और पिग के स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है वो मीजली पॉक जो है वो एंटर होगा, इसकी बॉडी से निकला। देखो
यहाँ पर इसका ह्यूमन का खत्म हो गया था। ठीक है, ये ह्यूमन का, और यहाँ पर पूरी लाइफ साइकिल जो है वो पिक की चल रही है। ठीक है, सो अब क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर पिक के स्मॉल इंटेस्टाइन में चल रहा है सब। सो पिक के स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलेगा मीजली पॉक, और इस तरह से मसल्स की फॉर्म में मीजली पॉक जो है वो ट्रांसफर, मतलब कि डेवलप हो जाएगा सिस्टेरेसिस की फॉर्म में, इस तरह से जो कि यहाँ पे देखने को मिला था। सो मसल्स में जो है ये इस तरह से जम जाएगा और एंटर कर जाएगा किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ह्यूमन की। ठीक है, सो ये मीजली पॉक है जो कि इन्फेक्टिव स्टेज होती है किसकी, ह्यूमन की, मीजली पॉक। ठीक है, कुक्ड मीजली पॉक बोलते हैं, जिसमें कि एक मीजली पॉक में 500 जो है वो सिस्टेरेसिस देखने को मिलते हैं। किस उस इन्फेक्शन, मतलब कि डिसीज किसके थ्रू स्प्रेड हो रहा है, पिग के थ्रू स्प्रेड हो रहा है, जो भी कंज्यूम करते हैं पिग की जो है वो, उसको जो है वो मोस्ट कॉमनली जो है डिसीज देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा जो है वो लाइफ साइकिल है। अगेन जो है ये सिस्टरिस के फॉर्म में जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ह्यूमन की एंटर करेगा, देन ये पूरी डेवलपमेंट स्टेजेस आएंगे, इन्वेजिनेशन होगा, इवेजिनेशन होगा, यहाँ पर ये एडल्ट टेप फॉर्म का जो है पूरा शेप ले लेगा। ठीक है, सो एडल्ट टेप फॉर्म जो है यहाँ पर बन जाएगा, देन ग्रेविड मतलब कि फीसिस के थ्रू जो है यहाँ पर ये पूरा का पूरा निकल जाएगा, एंड ग्रेविड और प्रोग्लेटेड स्टेज जो है वो, इसको जो फीसिस के थ्रू निकलेगी तो इसको ग्रेविड और प्रोग्लेटेड स्टेज बोलेंगे। देन मोर ब्रांच फॉर्म में ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, इस यहाँ पर इंसिस्ट फॉर्मेशन होगी, इंसिस्टमेंट, इंसिस्ट जो है वो फॉर्मेशन होगी, और जो है वो मसल्स के थ्रू जो है ये मीजली पॉक जो है वो क्या, सिस्टेरेसिस जो है वो मसल्स के थ्रू जो है ये मीजली पॉक एंटर करेगा ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में, अगर इंडिविजुअल पिग की मीट जो है वो कंज्यूम करता है तो। इस तरह से जो है वो पूरी लाइफ साइकिल चलती रहती है। टेनिया सोलेम का खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, इसलिए जो है ये पूरा का पूरा जो है वो इंडिविजुअल का, ह्यूमन का, जिस भी ह्यूमन में एंटर करेगा तो उसका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो भी मटीरियल है वो कंज्यूम करता है। ठीक है, ये सारी हमने डेवलपमेंटल स्टेजेस देख ली इसकी। ठीक है, किससे बिलोंग करता है ये सब जो है हमने देख लिया। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप कर लीजिए, और एनिमल डाइवर्सिटी के बहुत ही सारे लेक्चर्स जो हैं वो इस चैनल पर डले हुए हैं, और टेलीग्राम चैनल लिंक पे, मतलब कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। एंड बाय बाय, टेक केयर।